आमे सीरीज टेस्ट लैंप के आज बुझार लगे ट्राए करमा। सो सीरीज टेस्ट लैंप रे काना देसी गोटे बल्ब थीसी, गोटे टू पिन रो स्विच आ गोटे थ्री पिन सकेट गोटे थीसी। तो आम से देख सीरीज टेस्ट लैंप के आम सप्लाई देचु, सप्लाई आसला तो जिते बोले ये दुईटा पॉइंट रो, ये दुईटा पॉइंट जो दुईटा तार बाहर आम दुईटा जो थ्री पिन सकेट अच्छे, थ्री पॉइंट सकेट अच्छे, दुईटा पॉइंट रे दुईटा तार बाहर करूँ। से दुईटा तार जो आम टच करसूँ तो बेसिकली बल्बटा आम ग्लो करूचे, ठीक अच्छे। तो ये तार एडवांटेज कौन आम कंटिन्यूटी के चेक कर पार्मा। सपोज इन्हें देख गोटे तार रखाई है, ये तार्टा मोर कंटिन्यूस अच्छे कि नहीं आम चेक करा चाहूँचे कि मझेरे ब्रेक तो नहीं हीजे। तो कौन करमा कि गोटे एंड्रे गोटे पॉइंट आ गोटे एंड्रे आ गोटे पॉइंट टच करावा। जदि बल्ब ग्लो करूचे तो आम कौन बुझा कि जेन तार अच्छे से कंटिन्यूस अच्छे, कैन भी ब्रेकआउट नाइन तमें तार्टा ठीक कंडीशन रे अच्छे, कंटिन्यूस अच्छे। तो ये तर कनेक्शन एक्चुअली के चलो आम थ्योरी हिसाब से बुझीज। बेसिकली आम जो सप्लायटा आसूचे फेज आउ न्यूट्रल, फेज आउ न्यूट्रल सप्लाय रु आसी गोटे टू पिन रो स्विचटे अच्छे, स्विच रो दुईटा पॉइंट थी आ गोटे देख थ्री पिन सकेट अच्छे तो तार तीन टा पॉइंट थी ओके। तो जिते बल आम स्विचटा के ऑन करूचु तो बेसिकली कौन हो इटा भी आमर फेज पॉइंट हो जाते यहाँ फेज पॉइंट हो पॉइंट आमर आसिक ये थ्री पॉइंट रो सॉकेट अच्छे तार ये पॉइंट से कनेक्टेड हो जाए। तो ये पॉइंट भी फेज पॉइंट हो गला ओके। तो ये स्विच जेनते ही पड़ूचे यहाँ फेज पॉइंट हो एक्चुअली आम फेज पॉइंट तो यहाँ स्विच ऑन हला तो ये पॉइंट भी फेज पॉइंट हो गला और से पॉइंट आम सॉर्ट करूँ कहा सागे थ्री पिन सॉकेट रो गोटे पॉइंट से सॉर्ट करूँ तो फेज इन एक्जिस्ट कला। तापर आम कौन करूचु ये पॉइंट जेन अच्छे से आम न्यूट्रल सप्लायर न्यूट्रालटा सागे कनेक्ट कर दौ आम कौन करूचु इन दुटा तार बाहर करूचु, ये पॉइंट रो गोटे तार बाहर ये पॉइंट रो गोटे तार बाहर। तो करंट फ्लो हवा लगे दुईटा पॉइंट मस्ट भी सॉर्टेड तबे जाइए करंट फ्लो हो पार्ब। दुईटा पॉइंट जब सॉर्ट नहीं तो करंट फ्लो ही नहीं करे, जदि तुम ये स्विच के ऑन भी कर दबो सर्किट रे करंट फ्लो नहीं करे और इन आम बल्बटा अच्छे और ये बल्बटा ग्लो भी नहीं करे। जदि मुझे दुईटा पॉइंट के टच करूचे तो बेसिकली कौन हो दुईटा पॉइंट जो टच होचे इटे टच है दुईटा पॉइंट तो फेज रु करंट बाहर स्विच ऑन अच्छे, स्विच समय ऑन कल तो इटा भी फेज पॉइंट हो इटा फेज पॉइंट हो गला और तुम ई पॉइंटा तुम टच कर दे बोले करंटा रास्ता होकर बल देकर न्यूट्रल के रिटर्न आसीगला। तो मैंने ओब्वियसली ने बल्बटा आम ग्लो करूचे, बल्ब कहीं थी ग्लो कला बुझीगला बिकज पाथ मिलीगला फेज रु न्यूट्रल तो करंट फ्लो हबार लगे। और जब तुम ये दुटा पॉइंट के टच नहीं करवा तो करंट फ्लो नहीं करवा। तो तुम जेन इन दुटा तार बाहरी सेने गोटे तारटा के सपोज मुझे रखुचे तो तार ही करंटा फ्लो करूचे और जब तारटा तुम ठीक कंडीशन में थी तो बल्बटा ग्लो करवा। जब तार कैन भी गोटे ब्रेकआउट थी ब्रेक मानने तार भांगी थी छिड़ी थी मझेरे कैन गोटे इंटरनाल ब्रेकडाउन थी तो से जगह करंट फ्लो नहीं करे तो तुम भाव कि तारटा तुम खराब तारटे अच्छे तुम्हें से जगह तार के रिप्लेस कर पार। तो बेसिकली इतना आम कंटिन्यूटी चेक करवा लगे यूज कर पार्मा सीरीज टेस्ट लैंप मेथड के। यदि लैंपटा ग्लो करूचे तो आम जानवा कि ये दुटा पॉइंट रे जहाँ के भी कनेक्ट कराइटा कंटिन्यूस अच्छे ओके। तो यहाँ हूँ तुम एडवांटेज गोटे सीरीज टेस्ट लैंप मेथड जी कि आपको कंटिन्यूटी चेक करवे हेल्प करुचे इजी अच्छे। गोटे स्विच पॉइंट रोचे टू पिन रो आ गोटे थ्री पिन रेन रोचे आम ये पॉइंट यूज नहीं करवा आर्थिंग पॉइंट तक यूज नहीं करवा ये दुईटा पॉइंट रे दुईटा तार बाहर करुचे। देख गोटे रेड कलर तार बाहरी आ गोटे ब्लाक कलर तार बाहर से दुईटा पॉइंट जो आम टच करुचे तो बेसिकली दुईटा कनेक्शन जो एस्टाब्लीश हो जाए फेज रु करेन्टा बेसिकली तुम न्यूट्रल तो रिटर्न जापे फेज रु करेन्ट बाहर न्यूट्रल तक जापे से बल्बटा भी मोर ग्लो करुचे। बल्बटा इन सीरीज रे अच्छे हाँ कि नहीं बल्बटा मोर इन सीरीज रे अच्छे से बल्बटा ग्लो कर पार्छे ओके। तो इतना आम यूज करें कौन करमा टर्मिनाल आइडेंटिफाई करमा गोटे कंपाउंड मोटर रो गोटे कंपाउंड मेसीन रे टर्मिनाल आइडेंटिफाई करवा लगे चाहूँ केन केन टर्मिनाल थीसी गोटे कंपाउंड मेसीन रो आम जानूँ आर्मेचर टर्मिनाल थीसी आर्मेचर थीसी फील्ड टर्मिनाल थीसी फील्ड वाइंडिंग थीसी आउ कैन वाइंडिंग थीसी आर्मेचर वाइंडिंग फील्ड सीरीज फील्ड वाइंडिंग आउ गोटे आमर थीसी शंट फील्ड वाइंडिंग तीन टा डिफरेंट टाइप रो वाइंडिंग थीसी। तो आम
केमती करी तीन टा डिफरेंट वाइंडिंग के आइडेंटिफाई कर पार्मा यूजिंग दिस टेस्ट लैम्प मेथड। आम बस एक्की जानूँ कि टेस्ट लैम्प मेथड यूज करके कंटिन्यूटी चेक कर पार्मा दुईटा पॉइंट भितर। तो दुईटा पॉइंट भितर कंटिन्यूटी अच्छे कि ना आमको चेक करवाले यहाँ हेल्प कर। तो आम ये कंपाउंड मोटरटा अच्छे डीसी कंपाउंड मोटर डीसी कंपाउंड मेसीन तार टर्मिनाल वन को आम आइडेंटिफाई करवा लगे चाहूँ। तो फास्ट आम कौन करूँ आम सपोज चाहूँ कि इतार आर्मेचर वाइंडिंग के आइडेंटिफाई करमा तापर सन्ट फिल्ड वाइंडिंग के आइडेंटिफाई करमा देन सीरीज फिल्ड वाइंडिंग के आइडेंटिफाई करमा। देख सपोज मुझे ई पॉइंट के टच करुचे आउ ई पॉइंट के टच कली तो बल्ब ग्लो करुचे बल्ब ग्लो कलर तर माने कण है कि दुईटा पॉइंट मोर कंटिन्यूटी अच्छे ये दुईटा पॉइंट मोर गोटे वाइंडिंगटे अच्छे जेनटा कि कंटिन्यूस अच्छे से दुईटा पॉइंट के जो टच करुचे से मोर बल्बटा ग्लो करुचे। अच्छा ई पॉइंट टच कराऊ बल्ब ग्लो नहीं करवा तर माने कण ये दुईटा पॉइंट भितर कैसी भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन या तो इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी नाइन ई पॉइंट नाई ग्लो करवार केनसी पॉइंट ग्लो नहीं करवा खाली ये दुईटा पॉइंट ग्लो करुचे तेने ये दुईटा पॉइंट गोटे वाइंडिंगटे अच्छे आमर ठीक अच्छे आम खाली इतनी जानचु कि दुईटा पॉइंट गोटे वाइंडिंगटे एक्जिस्ट करुचे। तापर नेक्स्ट चेक करूँ कि इटा इतार भितर कंटिन्यूटी अच्छे क्या इटा अलग पॉइंट्स मान भर कंटिन्यूटी नाइन 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 अच्छे। तो देख ये दुईटा पॉइंट भी मोर बल्बटा जेन अच्छे से ग्लो करगला तो जदि दुईटा पॉइंट बल्ब ग्लो करुचे तेने दुईटा पॉइंट भी मोर कंटिन्यूटी अच्छे। तो अब क्वेश्चन उठूचे कि आइदर ये गोटे सीरीज फिल्ड वाइंडिंग होता ना तो आर्मेचर वाइंडिंग होता आम जानलु ये दुईटा पॉइंट बल्ब ग्लो करुचे आई दुईटा पॉइंट बल्ब ग्लो करुचे तो आइदर ये मोर फिल्ड सीरीज फिल्ड वाइंडिंग होता या तो यहाँ मोर सीरीज फिल्ड वाइंडिंग होता जदि यहाँ सीरीज फिल्ड वाइंडिंग तो यहाँ आर्मेचर वाइंडिंग जदि यहाँ आर्मेचर वाइंडिंग तो यहाँ हम मोर सीरीज फिल्ड वाइंडिंग ओके कन्फर्म केमती करी करमा। देखो कन्फर्म करवा लगे कारण ट्रिक अच्छे कि तुम जाच कि आर्मेचर वाइंडिंग रो पॉइंट्स माने तुम कम्यूटेटर सेगमेंट सांगे सॉर्टेड थीसी तुम जो कम्यूटेशन पढ़ुल तो तुम कण पढ़ुल कि कम्यूटेटर जेन सेगमेंट्स मान थीसी कम्यूटेटर सेगमेंट्स मान सागे तुम आर्मेचर जेन कॉइल थी से आर्मेचर कॉइल मान तुम आणिकी कम्यूटेटर सेगमेंट कनेक्ट करुल कम्यूटेटर सेगमेंट मान तुम बेसिकली केन्थ बनी हार्ड ड्रन कॉपर रे बनी ओके। तो तुम देखिपुव इटा हूँ तुम बेसिकली कम्यूटेटर सेगमेंट गोटे पॉइंट के मुझे कम्यूटेटर सेगमेंट टच करे आउ गोटे पॉइंट के मुझे टच करवा लगे चाहूचे ये पॉइंट बल्ब्र ग्लो होने भी टच कली बल्ब्र ग्लो होके दुईटा पॉइंट जेहेतु मुझे कम्यूटेटर सेगमेंट के टच करें बल्ब के जल्द पारे तो मुझे कनफर्म हो जिमी कि एक्चुअली युटा जेन पॉइंट थे बेसिकली दुईटा पॉइंट मोर आर्मेचर वाइंडिंग रही पॉइंट है इन तो बल्ब ग्लो करुला तो ये कनफर्म करूँ कि यहाँ एक्चुअली सीरीज फिल्ड वाइंडिंग है कि आर्मेचर वाइंडिंग है तो यहाँ जब सीरीज फिल्ड इन जब से जिनटा हो जाने तुम्हें कम्यूटेटर सेगमेंट टच करके इन जब बल्ब जल्द पार्च तो इतार लगे हेटा ही नहीं पार्बार कथा। देख इतार लगे हेटा ही नहीं पार्बार कथा तार मैंने यहाँ है कि यहाँ तुम सीरीज फिल्ड वाइंडिंग तो है लेकिन आर्मेचर वाइंडिंग नुहे से बिकज जो कम्यूटेटर सेगमेंट थ्रु तुम टच करुच तो सेने तक कंटिन्यूटीटा नहीं मिलवार ओके। तुम इटा भी जाच कि जेन कम्यूटेटर सेगमेंट और ब्रश भितर तुम कंटिन्यूटी रही तो जब तुम कंटिन्यूटी चेक करवा चाहूच तो आर्मेचर गोटे पॉइंट ये दुटा तो तुम जाणीगल कि आर्मेचर पॉइंट है तो आर्मेचर गोटे पॉइंट और ब्रश रे भी तुम कंटाक्ट करव तेबे भी तुम देख बल्ब्रे ग्लो होचे ब्रश होल्डर भी तुम कनेक्शन करव ब्रश होल्डर आउ कम्यूटेटर सेगमेंट गोटे पॉइंट रख तेबे भी तुम बल्ब ग्लो करवा ब्रश होल्डर आउ आर्मेचर गोटे पॉइंट तेबे भी बल्ब ग्लो करुचे ओके। तो यही हिसाब से तुम आर्मेचर को पाईल न आउ सीरीज फिल्ड भी तुम जाणीगल कि युटा ही तुम सीरीज फिल्ड वाइंडिंग हाँ बिकज बल्ब ग्लो करुचे आउ कम्यूटेटर सेगमेंट थ्रु चेक कल के बल्ब्र ग्लो नहीं हाँ तो आर्मेचर वाइंडिंग जाणीगल सीरीज फिल्ड वाइंडिंग भी जाणीगल छटा पॉइंट अच्छे ये दुईटा है तुम क्या केन पॉइंट आर्मेचर ये दुईटा होगा तुम सीरीज फिल्डर पॉइंट तो बाकी जेन दुईटा पॉइंट रहा है ओब्वियसली तुम सन्ट फिल्डर दुईटा पॉइंट होती है और सन्ट फिल्डर केस्रे तुम देख जेहतु सन्ट फिल्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस बहुत हाई थी तो से केस्रे तुम बल्ब्र ग्लो इतनी भलसे ही नहीं पारे बल्ब ग्लो ही नहीं करे बिकज हाई रेजिस्टेंस अफर करते तुम सन्ट फिल्ड वाइंडिंगटा लेकिन तुम गोटे जिनिस मार्क कर पार्ब कि जितेबाला तुम इने फ्रिक्शन करव तो इन तुमको गोटे स्पार्कटे देखा लगे मिलवा जेन स्पार्कटा अलग कहती लगे भी नहीं दिशे अलग केनसी वाइंडिंग तुम स्पार्क नहीं होता
ओनली तुम देख सन्ट फिल्ड वाइंडिंग लगे तुमको स्पार्क फिल हवा तो सेनु तुम कन्फर्म हो स्पार्क रु तुम कन्फर्म हो कि दिन दुटा पॉइंट अच्छे तुम सन्ट फिल्ड वाइंडिंग है। ओके थैंक यू रखी था।